पूरी गैलेक्सीज में फैले हुए सभी ऑटोबॉट्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ। भले ही साइबरट्रॉन तबाह हो गया, लेकिन हम अब भी कायम हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए इन कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करें। प्रायोरिटी प्राइम। ये कौन सी जगह है? ये पृथ्वी है और मैं हूँ ऑप्टिमस प्राइम। रेस्क्यू फोर्स सिग्मा 17 ड्यूटी पर हाजिर है। मुझे नहीं पता था कि रेस्क्यू टीम्स अभी तक एक्टिव हैं। जहाँ भी इमरजेंसी होती है वहाँ रेस्क्यू बॉट्स होते हैं। वैसे हम एक्टिव क्यों नहीं थे? हमें स्टेसिस में गए कितना वक्त हुआ? हमें साइबरट्रॉन एचक्यू से इस बारे में पता करना चाहिए। ना तो इसकी जरूरत है ना ही ये मुमकिन। साइबरट्रॉन अब हमारा घर नहीं है, हमारा घर अब पृथ्वी है। ग्रिफिन रॉक पीडी, प्लीज रुक जाइए। मैंने सोचा कि तुम इस खटारा गाड़ी को अलविदा कहना चाहोगे। आज काम पर इसका आखिरी दिन है। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये शहर आपको नई कार लेने पर मजबूर क्यों कर रहा है डैड। ये अच्छी तो चल रही है। इसे आगे बढ़ना कहते हैं। ऐसे में तो हम नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर ही नहीं पाएंगे। छोड़िए ना डैड, अगर कोडी का बस चलता तो हम सब हर जगह साइकिल पर जाते। और तुम फिर भी ट्रेनिंग वाली गाड़ी चला रहे होते केट। और हेलमेट शायद तुम्हारे बाल खराब कर देता। बस करो ग्राहम, आज दोपहर को मीटिंग में आना मत भूलना। मैंने सोचा था कि मैं टेस्ट ड्राइव को... हम रेस्क्यू व्हीकल्स लेने जा रहे हैं, गो कार्ट्स नहीं। सॉरी कोडी, वो सिर्फ ऑथराइज्ड इमरजेंसी रिस्पोंडर्स के लिए है। मतलब परिवार में मेरे सिवाय सबको व्हीकल्स मिलेंगे। मुझे इन्हें छोड़कर मेनलैंड जाने के लिए चॉपर पकड़ना है। तुम यहाँ से सीधे स्कूल चले जाओ। और कोडी, थोड़ा सा समय लो, तुम्हें अपनी सही जगह मिल जाएगी। हीट वेव, चेज, ब्लेड्स, बोल्डर। अच्छी तरह सोच समझने के बाद मैंने तुम्हारे लिए नया मिशन चुना है। नाइस। हम मिशन के लिए तैयार हैं सर। तो हमें वहाँ कब जाना है? तुम्हें जाना नहीं है, और शायद वजूद में आखिरी रेस्क्यू बॉट्स होने के नाते तुम इस ग्रह के लोगों की मदद करने के साथ साथ उनसे सीखने के लिए एकदम सही हो। मतलब हम इंसानों के बीच रहेंगे? तुम इस ग्रह के लोगों के लिए एम्बेसडर्स बनोगे, वो पहले ऑटोबॉट्स जो इंसानों के साथ रहेंगे। तुम उनके रिवाजों को समझोगे, उनके नियमों को मानोगे, इस ग्रह को सुरक्षित रखने के लिए एक साथ काम करोगे। इस मिशन के दौरान तुम्हारा मशीनों जैसा दिखना बहुत जरूरी है, भेज बदले हुए रोबोट्स की तरह। क्या? वैसे तो पृथ्वी के लोगों को एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ख्याल कि उन लोगों के बीच कुछ एलियंस रहते हैं उनमें बेशक घबराहट फैला देगा। मतलब हमें अपनी सच्चाई छुपाकर इंसानों की मदद करनी होगी। तुम्हारी टीम के लिए क्या बेहतर है ये तुम ही तय करोगे हीट वेव, इसलिए तुम्हें मैंने इस मिशन का लीडर बनाने का फैसला किया है। अपनी पहचान छिपाए रखने के लिए तुम सभी एक व्हीकल मोड अपनाओगे जो पृथ्वी की टेक्नोलॉजी पर आधारित है। वाह, जरा उन गाड़ियों को देखो, ये तो जबरदस्त हैं। बोल्डर, क्या तुम पहले स्कैन करना चाहोगे? पुरानी है, लेकिन इसका इस्तेमाल उस काम के लिए किया जाता है जो मैं अपने ग्रह पर करता था। क्या इंसान इसे कानून लागू करने के लिए इस्तेमाल करते हैं?
लगता है तुम्हारी पसंद तुम्हारे लिए चुन ली गई है ब्लेड्स। एक मिनट, ये चीज उड़ती है? ब्लेड्स को ऊंचाई पसंद नहीं। ये हैं चीफ चार्ली बर्न्स, ये हमारा राज जानते हैं और तुम्हारी मदद करेंगे। रेस्क्यू बॉट्स, गुड लक। ये बहुत खुशी और सम्मान की बात है। ओ, ओ। डॉग, हाय फ्रैंकी। ये मजेदार है ना, इसके जैसा मैंने पहले कभी कुछ नहीं देखा। यहाँ आने के लिए शुक्रिया दोस्तों। मैं बचाव के बारे में नहीं कह रही हूँ, मैं इसकी बात कर रही हूँ, म्यूजियम में इस अगले एग्जिबिट की, साइबर वायसोरियन स्ट्रक्चर्स और इनमें क्रिटेशियस का डीएनए लगाया हुआ है। हमारे शहर का नई टेक्नोलॉजी अपनाने के मामले में सबसे आगे रहने का एक लंबा इतिहास है। अब वॉशिंगटन में हमारे दोस्तों की बदौलत मैं पेश करता हूँ इमरजेंसी रिस्पॉन्स में एकदम नई टेक्नोलॉजी, यानी रेस्क्यू बॉट्स। रोबोट्स ट्रांसफॉर्म। ये रोबोटिक रेस्क्यू व्हीकल्स हमारे रिसोर्सेस का बेहतर इस्तेमाल करेंगे। एक रोबोट के साथ एक इंसानी टीम काम कर सकती है पूरी पुलिस फोर्स का, फायर डिपार्टमेंट का, इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट का और इंजीनियरिंग कोर का। हर एक रोबोट को सिर्फ उसके हैंडलर के ऑर्डर पर अमल करने के लिए प्रोग्राम किया गया है, इसलिए आप चैन से सो सकते हैं ये जानते हुए कि ग्रिफिन रॉक की हिफाजत करने के लिए टेक्नोलॉजी और इंसानियत की बेहतरीन मिसाल यहाँ मौजूद है। उस रोबोट ने अभी अभी अपना हाथ हिलाया था। बच्चे सामने से हटोगे, मुझे बर्न्स फैमिली के हीरो की फोटो लेनी है। चीफ बोल रहा हूँ, बताइए क्या हुआ? नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में आग लग गई। मैंने तो तुमसे कुछ नहीं कहा। ये नई टेक्नोलॉजी है बेटा, कुछ गड़बड़ियां तो होंगी ही। चलो जल्दी चलो, हमें एक बुलडोजर पछाड़ रहा है। मैं कुछ समझा नहीं। थोड़ी रफ्तार बढ़ाओ। नीचे उड़ाओ। समझ गया। ट्रांसफॉर्म और म्यूजियम से लोगों को दूर ले जाओ। प्लीज इस जगह को शांति से खाली कर दें। इन इंसानों ने बात नहीं मानी। मेरे ख्याल से हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है पार्टनर। हमें आग को रोकने के लिए इस चीज को हटाना होगा। लेकिन मैं उससे इस बिल्डिंग के डिजाइन का शानदार नजारा बर्बाद हो जाएगा। क्या? चलो आखिर तुम आ ही गई डैनी। अगर मैं न्यूट्रल में ना अटकी होती तो यहाँ जल्दी आ जाती, अगली बार पैदल ही आऊंगी। लगता है शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी, लेकिन इससे कुछ वक्त के लिए काम चल जाएगा। साइबर वायर इन पुराने सर्किटों पर काम नहीं कर पाता। चलो अच्छा हुआ कि किसी को चोट नहीं आई। मैंने ऐसा करने को नहीं कहा था। कुछ गलत तो नहीं किया? तुम्हारा रोबोट अभी तक रेस्क्यू मोड में था, तुमने उसे जान बचाने के ऑर्डर दिए थे और उसने वही किया। शुक्रिया तो कह दो ग्रैम। आ,
तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे थोड़ी खुली जगह चाहिए। चीफ ने कहा था कि स्ट्रीट लेवल के नीचे एक बंकर है, किसी चीज का बचा हिस्सा जिसे वो कोल्ड वॉर कहते हैं। इस बहाने हमें भी थोड़ी जगह मिल रही है। मेरे लिए रुको। बिल्कुल। मुझे अब तक समझ नहीं आया केट के रोबोट को ये कैसे पता चला कि मुझे भी देना। तो मैंने अपने कॉप्टर में एक दो कमियां देखी थी, लेकिन कम से कम मैंने उन्हें संभाल लिया था। कभी होना अलग बात है, लेकिन मैंने केट, डैनी, ग्रैम, तुम सबने आज बहुत अच्छा काम किया। क्या मैं जा सकता हूँ? ऑप्टिमस माने या ना माने, लेकिन मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। काम हम करें और शबाशे दूसरे ले जाए। ये दिखावा करे कि हम टीम के डिब्बे हैं। तुमने देखा था कि मेरी पार्टनर मुझे कैसे चलाती है। मेरे कंट्रोल्स अभी तक दर्द कर रहे हैं। हमेशा कहती है ऊपर ऊपर ऊपर, तेज और तेज उड़ो। फिर भी इमरजेंसी रिस्पांस का हिस्सा बनना बहुत अच्छा अनुभव था। मुझे हमारे चीफ बहुत काबिल लगते हैं। वो हमें यहाँ के कानून के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। इंसानों के तरीके वाकई अजीब होते हैं, लेकिन यही बात उन्हें इतना दिलचस्प बनाती है। मैं जा रहा हूँ। नहीं जा सकते, तुम हमारे लीडर हो। तो फिर हम सब जाएंगे। इंसान हमें कभी समझ नहीं पाएंगे। हम यहाँ के कभी नहीं हो पाएंगे। मैं तुम्हारा मतलब समझता हूँ। चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मेरा यकीन करो, ग्रिफिन रॉक में रहते हुए मैं रोबोट्स को जानता हूँ, और तुमसे बेकार रोबोट्स मैंने आज तक नहीं देखे। हम अपने मिशन में नाकाम रहे, हमारी पोल खुल गई, और अब ये बाकी सबको बता देगा। तुम मजाक कर रहे हो? क्या मैं ऐसा कुछ जानने का मौका गवा दूंगा जो वो नहीं जानते? ऐसा कुछ जो इतना बड़ा है? ये बात अच्छी है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें अर्थ के बारे में वो सब कुछ बताऊंगा जो तुम्हें जानने की जरूरत है। तो मुझे बता सकते हो कि मैं अपने पार्टनर का मुंह कैसे बंद कर सकता हूँ? डैनी, मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। वैसे मेरा नाम कोडी है। मैं हूँ ब्लेड्स। बोल्डर। नहीं बताऊंगा। ये चेज है। और मैं हूँ हीट वेव। तो कोडी, अब जब तुम जानते हो कि हम कौन हैं, तो मुझे एक अच्छी वजह बताओ कि हम ये ग्रह छोड़कर ना जाए। इस वाली सुरंग की तरह पूरे आइलैंड में सुरंगे हैं, और वो सब बंकर में खत्म होती है। फायर हाउस से चुपचाप निकलने के लिए बहुत अच्छी है। वाह, ऐसा लगता है जैसे कार्बन में लाखों ऑप्टिक्स लगा दिए गए हैं। कितना खूबसूरत है। मेरे ख्याल से ऐसा ही है। वैसे तुम यहाँ से जाना क्यों चाहते हो? सब तुमसे यही उम्मीद करेंगे कि तुम इस तरह से पेश आओ। देखो, अपनी टांगे सीधी करो, हाथों को बाहर निकालो, करके दिखाओ। मुझे नहीं पता तुमने वो कहाँ से सीखा, पर नहीं चलेगा। देखो कोड़ी, मैं समझता हूँ तुम क्या कर रहे हो, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस तरह बात करने से मेरा पार्टनर मेरी इज्जत कैसे करेगा। केट के साथ ये करना है कि उसे एहसास दिलवाना कि वो इंचार्ज है। मेरा यकीन मानो, मैं सालों से यही करता आ रहा हूँ। क्या ये आवाज़ फिल्म से आई? मुझे पता है मैं यहाँ नया हूँ, पर डायनासोर तो खत्म हो चुके हैं ना। ये वाला अब खत्म होगा। वेव, रुको। देखो, अगर किसी ने तुम्हें उस डायनो को अकेले ही काबू करते देख लिया, तो तुम्हारा रास खुल जाएगा और तुम्हारा मिशन भी। वो लाइट की तरफ जा रहा है। चेस, अपनी लाइट चलाओ। उसका ध्यान हम पर है, अब क्या करें? उसे ऐसी जगह ले जाना होगा जहां आसपास लोग ना हो। रेस्क्यू बोट्स, रेस्क्यू के लिए तैयार हो जाओ। की जरूरत पड़ेगी। मैं चीफ से बात कर रहा था हूँ। रेस्क्यू हेडक्वार्टर्स, क्या हुआ?
डैड अच्छा पहले तो आप चिंता मत कीजिए, मैं रेस्क्यू बॉट्स के साथ हूँ। तुम्हें इजाजत किसने दी? हाँ? उन्होंने दी, मेरा मतलब डैड मुझे नहीं पता आपको ये कैसे बताऊँ, लेकिन रेस्क्यू बॉट्स रोबोट्स नहीं है, वो किसी दूसरे ग्रह से आए हैं, वो एलियंस हैं। तुम्हें ये कब पता चला? यानी आपको पता है? कोडी तुम कहाँ हो? चीफ बर्न्स, हम लिंक स्ट्रीट पश्चिम की ओर जा रहे हैं और हमारे पीछे एक डायनासोर लगा है। डायनासोर लगा है फिर से? कोडी तुम ड्राइव तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं तो। हमने पुरानी स्क्वाड कार क्यों ली है? इस वजह से, मैं बाद में समझाऊंगा। तुमने मेरा व्हीकल चुराया? देखो टी-रेक्स को लाइट्स पसंद है, मेरे ख्याल से तुम्हें बातें कम काम ज्यादा। वाह, ये मशीन तो अपने आप चलती है। यही रहना बेटा। डायनासोर के पास उड़ना होगा वरना हम किसी काम के नहीं। कोडी तुमने हमारे रोबोट्स के साथ क्या किया? अगर तुम उनसे अपना काम निकलवाना चाहती हो तो तुम्हें आराम से कहना पड़ेगा। कोडी इस चैनल से हट जाओ, ये सिर्फ इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स के लिए है। शांत हो जाओ केड, कोडी ने इस डायनासोर को पहले देखा था, फिलहाल वो टीम में है। मुझे मंजूर है, कोई आइडिया है कोडी? है तो नहीं लेकिन कोई है जिसके पास होगा। हेलो कोडी, वो डायनासोर एग्जिबिट? ठीक है अब तुम्हें समझ में आया। कैसे चल रहा ग्रहम? बस हो गया, थोड़ा सा और दाई तरफ। डैनी क्या तुम सामान उठाने के लिए तैयार हैं? तो काम शुरू करो, तुम्हें वाकई लगता है कि एक डायनासोर को उठा पाएगा? अभी पता चल जाएगा। उसे उलझाए रखिए डैड, डैनी आ रही है। अब हम उस डायनो को यहाँ पर कैसे लेकर आएंगे? लगा तुम कभी पूछोगे नहीं। फ्रैंकी ने सही कहा। लगता है किसी का ध्यान जाएगा। रुको, मैं अपने हीरोज की फोटो लेना चाहता हूँ। अपने सारे हीरोज की। कमाल है डैड, कोडी ने एक छोटी सी मदद क्या कर दी, आपने तो उसे टीम में ही ले लिया। क्यों, कोई एतराज है? हमें तो कोई एतराज नहीं। कोडी इस मिशन पर हमारा साथी है, इसी की वजह से हम यहाँ पर रुक रहे हैं। आई बात समझ में? डैड क्या उस चीज ने अभी मुझसे बात की? रोबोट्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। हम खराब टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनमें कोई खराबी नहीं हुई है, वो एलियंस हैं। क्या?